हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 273 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए दोस्तों, 273 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 273 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से कटाना होता है और पूरी तरह से कटा देना होता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो हम देखेंगे क्या यह संख्या 2 से कटेगी। तो दोस्तों 2 से कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या की इकाई के अंक यदि सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 3 है और 3 एक विषम संख्या है, इसलिए यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे क्या यह संख्या 3 से कटेगी। तो 3 से कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए दोस्तों इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या 3 से कटता है। तो देखिए इस 3 में इस 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, और 10 में इस 2 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। तो 12 जो संख्या है वह 3 से कट जाती है, इसलिए 273 जो यह संख्या है यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 3 से कटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 27 है, तो यह 27 इस 3 से 9 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 आवा 27 होता है। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर तो 3 है, तो यह 3 इस 3 से 1 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 एक 3 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 91 आ गया, तो यह जो संख्या है यह अब 3 से नहीं कटेगी, यह संख्या 5 से भी नहीं कटेगी। दोस्तों यह संख्या 7 से कट जाएगी, तो चलिए इसको हम 7 से कटा देते हैं। यहाँ पर तो दोस्तों 9 है पहले, इसलिए हम क्या करेंगे एक बार में यहाँ पर 7 ले जाएंगे, तो क्या होगा इस 9 में से इधर 2 चला जाएगा। देखिए दोस्तों इस 1 के आगे आकर 2 लग गया है, तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यह 21 भी इस 7 से 3 बार में कट जाएगा क्योंकि 7 × 21 होता है। यहाँ पर तो दोस्तों 13 आ गया, तो 13 तो एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 को 13 से कटा देंगे तो यह एक बार में कट जाएगी। अब दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा 273 बराबर, देखिए दोस्तों 273 जो यह संख्या है एक बार 3 से कटा है और एक बार 7 से कटा है और एक बार 13 से कटा है। तो इन सभी को क्या करेंगे यहाँ पर गुणे के रूप में लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं 3 × 7 × 13। तो दोस्तों जो यह आ गया ना 3 × 7 × 13, यही क्या हो गया इस 273 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जान गए होंगे कि 273 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है।